शादी समारोह में हथियार लेकर चलना हुई आम बात। शादी में हर फायरिंग तो कभी मामूली झगड़े में हो जाती है फायरिंग। ताजा घटना बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई, जहां शादी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के अनुसार हत्या की यह वारदात मंगोलपुरी स्थित रामलीला ग्राउंड में हुई। फिलहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार मृतक महिला दूल्हे की सगी मौसी है और उनके परिजन ने बताया कि जहां शनिवार तड़के करीब 3 बजे बारात में आई सुनीता नाम की महिला के पति से डीजे पर कुछ युवकों का विवाद हो गया, जिसके थोड़ी देर बाद 3-4 युवक आए और फिर से झगड़ा करने लगे और उनमें से एक नए मृतक महिला के पति पर गोली चला दी, जो पास खड़ी सुनीता के सिर में लग गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि परिजनों का आरोप है कि हत्या करने वाले युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और दोनों सगे भाई हैं, साथ ही मंगोलपुरी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल वारदात के बाद से फरार हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर तड़के 3 बजे तक डीजे क्यों और कैसे बजाया जा रहा था। फोन आया लड़कों का, जब मैं आया हूँ उठ के। क्या बताया लड़कों ने आपके? गोली चल गई थी पंडाल में। तो किसी को लगी हुई है गोली, पता लगा है यहाँ पे? सुनने वाले लेडीज को लगी। किसकी शादी थी? लड़की। क्या नाम है? नाम जो पार्टी थी जिनकी शादी थी उनका क्या नाम है, जिन्होंने आपका ये टेंट पंडाल बुक कराया, उनका क्या नाम है? काले नाम। कहाँ के रहने वाले हैं वो? मंगोलपुरी के। तो जिसके गोली लगी है वो महिला, उसको आपको पता है कैसी हालत है उसकी? जिंदा है, मर गई है, क्या पता लगा है? सुनने वाले खत्म खत्म ठीक। यहाँ पे अंकल फायरिंग हुई थी। कैसे, क्या देखा है? उधर से लड़ाई हो रही थी। हाँ, डीजे पे? हाँ, डीजे की साइड से फायरिंग हो रही थी इस साइड। तो किसको गोली लगी है? एक औरत को गोली लग गई अंकल। क्या हुआ उसको? गोली लग गई उसके, उधर से फायरिंग हुई, पता नहीं किन्होंने करी है। मर गई जिंदा है? पता नहीं अंकल। जानकारी के अनुसार बारात दिल्ली के शाहदरा से मंगोलपुरी आई थी और मृतक महिला भी शाहदरा इलाके में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। उनकी उम्र करीब 33 साल है और वो 4 बच्चों की माँ भी है। बहरहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।